कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक लेक्चर फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक मेरा बहुत दिनों से बचा हुआ था क्लास 12th फिजिक्स में, तो चूँकि जो ऐप हम यूज़ कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पढ़ाई के लिए, वो ऐप शायद इतना पोर्टेबल नहीं था हमारे लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक एक करके सब चीज सारी चीजें क्लियर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक लगाएंगे, अपने नोट्स पैरेलली बनाते रहें। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल। अब जिन्हें जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है वो बच्चे YouTube पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर मैं डालूंगा थोड़ी देर में, वो देख सकते हैं वहाँ से, या फिर किसी और टीचर का जिससे पसंद आ रहा हूँ उस टीचर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन आप देख लें, फिर आते हैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूट्यूब डाइपोल। सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है डाइपोल, वो क्या होता है, डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल बच्चों लिखेंगे डेफिनेशन डाइपोल का, डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बच्चों डेफिनेशन किसका लिखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि डाइपोल जो टर्म है वो दो बार आने वाला है, एक बार मैग्नेटिज्म में आने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका डेफिनेशन है बच्चों सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सिस्टम ऑफ नोट करेंगे सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ध्यान से देखना यहां पे दो टर्म लिखा हुआ है, टू इक्वल मतलब दो चार्ज लेना है Q और Q ले लिया, इक्वल चार्ज दोनों इक्वल चार्ज Q और Q, अपोजिट चार्ज अपोजिट मतलब एक माइनस लोगे तो एक प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, इसको आप प्लस ले सकते हो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डाइपोल का सिस्टम है। अगर इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर मान लिया जाए, कुछ भी मान सकते हो आपकी मर्जी, तो ये पूरा एक हो गया मेरा सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है, ये पूरा यहां पर हमने माना है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये आर जो है टेंस टू वेरी स्मॉल, बहुत छोटा लिया गया है तभी जाके सिस्टम ऑफ डाइपोल बना है। क्लियर, मतलब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा करी है, इलेक्ट्रिक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक डाइपोल के कारण, मतलब ये सिस्टम ऑफ डाइपोल है, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके एक्सिस पर, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर, एट एनी पॉइंट भी आ सकता है। तो ध्यान से देखना है, पहले डाइपोल का डेफिनेशन क्लियर करें अपने माइंड में, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब दो चार्ज लेना है, दो चार्ज ले लिया मैंने, इक्वल चार्ज लेना है तो हां जी इक्वल चार्ज मैंने रखा है क्यू और क्यू, अपोजिट चार्ज लेना है तो एक माइनस लिया तो एक प्लस ले लिया, इसको आप प्लस मानोगे तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, और सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा आर ले लिया। नोट डाउन करेंगे और वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे।
हो गया, नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे। अब एक बात आती है बच्चों, अब एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अब एक टर्म होता है डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको समझ में आ गया होगा, होप करते हैं। आगे चलते हैं, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? समझने वाली बात है, बहुत टफ नहीं है। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हल्का सा करेंगे। आइए हमारा जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। हेडिंग लगाएंगे डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन लिखेंगे डाइपोल मोमेंट का। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट बात आगे सामने, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी आती है दिमाग में, जैसे वेक्टर क्वांटिटी सामने दिखता है तो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर के बारे में, और उसका यूज एप्लीकेशन क्लास 12 में है। अभी तो शुरुआत के टॉपिक्स चल रहे हैं, बाद में आपको पता चलेगा वेक्टर का क्या यूज है 12th में। पढ़ते 11th में है, लेकिन एप्लीकेशन उस वेक्टर का 12th में करते हैं, बहुत यूज पैमाने का। तो आइए देखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले बात की टाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही वेक्टर दिमाग में आता है, जैसे ही वेक्टर सुनने में आता है, वैसे ही आपको भूल जाना चाहिए कि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है और अपना डायरेक्शन भी है, और इसकी सारी फंक्शनैलिटी, सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी वेक्टर का होता है, सब वेक्टर के हिसाब से होगा, डायरेक्शन देख करके होगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है कि दोनों के बीच में, ध्यान से समझना, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये बताता है कि क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है, कितना फोर्स है, वो बताने का काम कौन करता है? डाइपोल मोमेंट। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट को हम लोग बच्चों पी से डिनोट करते हैं और पी के ऊपर एरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं पी, और इसका कुछ फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। जो डाइपोल में दो चार्ज है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाओ, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लिया, उसको मल्टीप्लाई किससे किया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q इंटू आर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, आर लिया है। तो ये फॉर्मूला बन गया डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू आर, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की चर्चा कर लें, SI यूनिट की चर्चा कर लें। सबको पता होगा चार्ज के SI यूनिट कूलम और डिस्टेंस के यूनिट मीटर, कूलम मीटर, क्लियर? समझ में आया? ऐसा यूनिट क्या होगी? चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम और डिस्टेंस का मीटर। तो P जो डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू आर कूलम मीटर। नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज जब भी बोला जाए नोट डाउन करेंगे, तो इसका मतलब है वीडियो को पॉज करेंगे वहां नोट डाउन करेंगे।
इंपॉर्टेंट बात एक नोट डाउन हो गया होगा, तो एक छोटी सी बात बता दूं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? तो मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्यू इनटू आर, क्यू इनटू डिस्टेंस। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, याद रखना, हमेशा याद रखने वाली बात है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये डाइपोल हमने उल्टा कर दिया, हमेशा ये नहीं नेगेटिव, हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू इनटू आर, क्लियर? क्यू इनटू आर। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से चल करके पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर बात? मान लो इस यही डाइपोल को मैं उल्टा कर दूं, ये रहा मेरे पास प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र है, ठीक है। एल ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस, चलो छोड़ो, 2L लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज जो NCERT कहती है, जो HC वर्मा सर कहते हैं, तो HC वर्मा सर की किताब में NCERT में भी यहां तक कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया गया है 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया गया है 2L। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, यहां से यहां तक L होगा और यहां से यहां तक L होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों जो P होगा वो Q * 2L होगा। पहले बताया गया, पहले लेना पड़ेगा मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड, ले लिया दोनों के बीच चार्ज क्यू है, ले लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल कितना डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के बीच में, तो 2L दिख रहा है, क्यू इनटू 2L। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, इस बार डायरेक्शन में बच्चों इधर से इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा जो भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। क्लियर बात? समझ में आ गई होगी? नोट डाउन करेंगे तो क्लियर हो सकते हो। हो गया? एक छोटा सा बहुत लॉजिकल सवाल, बच्चे भी कर देंगे, तो एक छोटा सा लॉजिकल सवाल आप लोगों के लिए, चूंकि वेक्टर से वो है, मैंने पहले ही बता दिया कि डाइपोल मोमेंट, याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा एक इसी पर सवाल, सवाल क्या मतलब, तो थोड़ा सा लॉजिक और कुछ नहीं। यहां है माइनस क्यू, यहां है प्लस क्यू और यहां है प्लस क्यू, ठीक है, यहां है माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, ये बच्चों एक्सिस पर है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो चार्ज है, जो माइनस वाला चार्ज है, मिट गया शायद, एक मिनट, ये जो माइनस वाला चार्ज है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है और इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा a है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, फाइंड 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 नेट डाइपोल मोमेंट, पी नेट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ऊपर प्लस क्यू, ठीक है, तीनों इक्वल चार्ज दिख रहा है, पूरा डाइपोल का सिस्टम दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मतलब ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट इस पे एक्सिस पे रखा गया है, 0 0 पर है, ये जो चार्ज है इसका कोऑर्डिनेट है 1 0 और इसका कोऑर्डिनेट है 0 a, तो बताइए नेट डाइपोल मोमेंट किधर होगा। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर करेंगे। चलो मैं इस क्वेश्चन का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो गया होगा, सवाल बहुत आसान था, बहुत आसान सवाल था, इतना इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता कोई। सबसे पहली बात, ये जो डाइपोल, इन दोनों के बीच में एक सिस्टम ऑफ डाइपोल दिख रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में, तो ये हो गया पी, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा माइनस से प्लस, इसको एक फ्रेम लेते हैं, ये रहा एक पी,
इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, ये रहा है एक पी, दोनों के बीच का एंगल है चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, पहले बताया वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। ऐड करना है, नेट निकालना है, पी नेट निकालना है, तो पी नेट कैसे निकालेंगे भाई, वेक्टर का एडिशन करना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना देखना है 90 डिग्री। अब सॉल्व हो सकता है सवाल, कॉस 90 डिग्री, आप सबको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो p नेट हो जाएगा रूट अंडर 2p स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया रूट अंडर 2p स्क्वायर, ठीक है, तो p नेट हो जाएगा, p नेट हो जाएगा रूट 2p दिख रहा होगा सबको, तो p नेट हो जाएगा रूट अंडर 2p। अब p का वैल्यू निकाल सकते हो, p का फार्मूला आपको पता है q इनटू डिस्टेंस, तो p का वैल्यू हो जाएगा √2 और p का q दोनों के बीच का, दोनों चार्ज लेना है q और दोनों बीच का डिस्टेंस, इस चार्ज से साथ चार्ज का डिस्टेंस a दिख रहा है, अरे समझो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ये a डिस्टेंस की दूरी पर है और ये भी a डिस्टेंस की दूरी पर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो q into a, ये हो जाएगा p net। अच्छा बच्चों डायरेक्शन, डायरेक्शन कहीं ना कहीं दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो p net जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और इसके बीच का एंगल 45 डिग्री। बाबा इस समझ में, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, tan थीटा निकाल सकते हो यहां से, बहुत आसान है, tan थीटा निकालोगे 45 आ जाएगा, √2p √2p q into a, p का फार्मूला तोड़ दिया, p का फार्मूला सबको पता है q into a। तो ये सवाल बहुत आसान था, लॉजिकल सवाल था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप ये सवाल फिर से समझा दूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अब हम निकाले जो मेरा आज का टॉपिक था, जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल। ये तो डाइपोल का इंट्रोडक्शन था, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल कैसी सिस्टम ऑफ डाइपोल किसे कहते हैं, डाइपोल मोमेंट समझाया गया है, डाइपोल मोमेंट समझाया, फिर उस पे डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी सब चीज बता करके, फॉर्मूला SI यूनिट सब चीज बता करके, एक छोटा सा सवाल करा करके मुझे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम निकालने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। पहले ही बताया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी सारी फंक्शनैलिटीज एडिशन वगैरह सारी चीजें वेक्टर के फॉर्मूले में होगी। यहां देखो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा माइनस से प्लस की तरफ, इधर इस वाले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, इधर ध्यान से देखना एक डाइपोल इधर जा रहा है एक डाइपोल इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे, कितना दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट, ये रहा एक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रहा एक डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। पी नेट निकालना था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस टू ए बी कॉस थीटा लगाते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू पी पी टू ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल एक डाइपोल इधर एक डाइपोल इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, देखो ध्यान से 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री रखा, कॉस 90 की वैल्यू 0 करी, कॉस 90 की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या p plus p 2p square 2p square का root under, बाकी सब ने solve किया और यहाँ पर आकर के हमने कुछ नहीं किया है, जो p का formula होता है, p का formula होता है charge into distance, तो charge into distance देखो ध्यान से, इन दोनों charge के बीच का distance a है और इन दोनों charge के बीच का distance भी a है, क्योंकि इसका coordinate a comma 0 दे रखा है, इसका coordinate 0 comma 0, ये 8th class के बच्चे भी बता देंगे, class 8वीं के बच्चे बता देंगे, जो इस coordinate a comma 0 है तो दोनों के बीच का distance a है, 10th का बच्चा बता देगा क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो जाती है सब चीजें कोऑर्डिनेट वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मेरा जो टॉपिक है, अब मेरा हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था उस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल। ये रहा एक डाइपोल का सिस्टम, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लेती है वो डिस्टेंस हम ले रहे हैं जी, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड लेती है, एच सी वर्मा सर ने भी ले रखा है 12, तो 12 ले लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये रहा मिड पॉइंट, यहां से यहां तक एल और यहां से तक। अब हमें निकालना है इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसमें इस टॉपिक में हमें तीन डेरिवेशन करने हैं, ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में हमें तीन डेरिवेशन करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल नंबर वन एट इट्स एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस पर इस वाले लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा डाइपोल का सिस्टम अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस लाइन पर, मतलब इस लाइन पर, ध्यान से सुनो, ये पूरा सिस्टम अपने एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है नंबर वन। नंबर टू एट इट्स इक्विटोरियल लाइन, एट इट्स इक्विटोरियल लाइन मतलब इस वाले लाइन पर जो मिड पॉइंट से लाइन इसकी गुजर रही है उस वाले लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये, ध्यान सुनना, दो डेरिवेशन समझ में आ गया होगा मतलब क्या क्या करना है। ये डाइपोल का सिस्टम है, इस डाइपोल के सिस्टम में सबसे पहले इसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये वाला ये निकालना है, ठीक है, और इक्विटोरियल लाइन पर मतलब इस वाले लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है वो निकालना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर क्योंकि थर्ड आ गया ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, देखो ध्यान से, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट पर, यहां वहां यहां 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 किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल कितना बना रहा है, मान लो यहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां कहीं भी निकालना हो इससे निकाल सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो इसकी मदद से, ध्यान सुनना, अगर आपको ये आ गया किसी भी पॉइंट पर निकालने आ गया तो इसकी मदद से आप ये दोनों भी निकाल सकते, हो सकता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये दोनों मिस कर गए, ध्यान में नहीं रहा डेरिवेशन, तो इसकी मदद से ये सीख लो, ये सीख लो कि इसकी मदद से थर्ड वाले की मदद से ऊपर वाला दोनों फिर से डेराइव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, समझने वाली बात है, इन दोनों को अलग अलग ही निकाल कर देखते हैं और ये भी निकालेंगे और इसके फॉर्मूले में इन दोनों को हम चेक कर लेंगे आंसर सही है, मतलब कहने की, मतलब कहने का बात ये है कि ये दोनों चलो ठीक है कर लेंगे एग्जाम में मिस कर लेंगे, इसकी मदद से आप ये दोनों डेराइव कर सकते हो। बताऊंगा कैसे, ये दोनों अलग अलग निकालेंगे हम, अलग अलग निकालने के बाद इससे हम इन दोनों का अलग अलग आंसर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, नंबर वन एक्स एक्सिस हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सिस, एट इट्स एक्सिस। देखो बच्चों चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्लास नहीं हो रही है, तो आपको ध्यान देकर के यहीं से पढ़ना होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कंसिडरेशन नहीं लिख पाते, थ्योरेटिकल कंसिडरेशन यहाँ मैं बोल के नहीं दिखा सकता, पूरा बोल के मुझे लिखना पड़ेगा, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ, कंसिडरेशन आपको खुद से लिखना होगा। मैंने क्लास में दो डेरिवेशन करा रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, उनमें जैसा डेरिवेशन करा रखा है, उनमें जैसा कंसिडरेशन लिखा रखा है वैसा ही कंसिडरेशन यूज करना है, देखना है और समझना है, ठीक है। तो नंबर वन लगाएंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एक्सिस at x distance from the center of dipole, ध्यान देना, from the center of dipole, electric field due to system of dipole axis, उसके axis पर मतलब इस वाले line पर at x distance from the center of dipole, देखो ध्यान से क्या consideration बन सकता है मेरे
जो टॉपिक लिखा गया है इस टॉपिक पे क्या कंसंट्रेशन बन सकता है। सबसे पहले तो एक सिस्टम ऑफ डाइपोल बनाएंगे। सिस्टम ऑफ डाइपोल कैसे बनाएंगे, ये रहा एक माइनस क्यू चार्ज, ये रहा एक प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो एनसीईआरटी लेती है, एनसीईआरटी कहती है बच्चे 2L ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिड पॉइंट यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक L है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हमें इसके एक्सिस पर निकालना है, एट इट्स एक्सिस, एक्सिस लाइन पर निकालना है। तो ये रहा एक्सिस लाइन, ये रहा एक्सिस लाइन, वो भी कहां, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इसका सेंटर ऑफ डाइपोल ये रहा यहां से, यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं बात आई समझ में, थोड़ा सा वो हो गया, ज्यादा ही कंटेस्टेड हो गया। फिर से समझो, जो कंसिडरेशन कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना, समझने वाली बात है, क्योंकि अगर कंसिडरेशन आपको समझ में आ गया तो आप डेरिवेशन दो मिनट में कर लोगे, ठीक है। इतना तो है, क्लास स्टूडेंट मैथ्स का स्टूडेंट तुरंत कर सकता है। बायोलॉजी वालों को हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है इंटीग्रेशन वगैरह करने में, या फिर ट्वेल्थ में थोड़ा सा जो भी डेरिवेशन है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं हल्का सा, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में मैच्योर करते रहना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, आइए देखते हैं, माइनस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने ले रखा था वो था 2L, 2L डिस्टेंस, ये रहा इसका मिड पॉइंट, यहां से यहां तक ये L और यहां से यहां तक L, क्लियर है बात। अब हमको कहा गया है इसके एक्सिस पर, तो इसका एक्सिस लाइन, ये वाला लाइन इसका एक्सिस लाइन है, ये वाला लाइन क्या है, एक्सिस लाइन है, और इस एक्सिस लाइन पे उस पे भी कंसिडरेशन बनाया गया है कि मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से, तो यहां से इसके मिड पॉइंट से कितने दूरी पर निकालना है हमें, x डिस्टेंस पर, ये रहा x डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे यहां पर कोई पॉइंट p है, तो इस डाइपोल के कारण इसके एक्सिस लाइन पर इस पॉइंट p पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो निकालो। बात आई समझ में, वीडियो को पॉज करके फिगर नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंट फिगर है, समझने वाली बात है। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को मैंने फिगराइज कर दिया है और कुछ नहीं किया, एक एक वर्ड को फिगराइज कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी का, सिस्टम ऑफ डाइपोल ले लिया, एक्सिस लाइन ले लिया, एक्सिस को भी एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी मान लिया, यहां लिख लो एट पॉइंट पी, बस हो गया एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिस्टम ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सिस, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एट पॉइंट पी, बस अब पी पे निकालना है, ठीक है, समझने वाली बात। आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं, वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेना, आ जाओ डेरिवेशन पे। ध्यान दो, चलो आज स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट, हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सारी चीजें हो चुकी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज अपना अपना बनाता है, ये वाला चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, समझ में आ रही बात, ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस वाले चार्ज के कारण माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्यू से दूर जाएगा, पता रखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पर देखो ध्यान से, हमें पी पे निकालना है, E net on point P, P पर E net निकालना है, ठीक है, E net on point P, हुआ क्या, कुछ नहीं, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, मान लो E1, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, मान लो E2, ध्यान देखना, अरे यार सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है माइनस के कारण उससे दूर जाता है, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, इस वाले चार्ज के कारण जो प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आता है, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2, दोनों इक्वल तो होगा नहीं, समझा रहा हूं क्यों इक्वल नहीं होगा, ये भी समझा रहा हूं क्यों इक्वल, E1 और E2 इक्वल है, तो E net जो होगा वो कहीं ना कहीं E1 माइनस E2 होगा, जो इनेट है, ध्यान देना, ये जो इनेट है, ये इनेट
E2 minus E1 लिख सकते हैं क्या? E2 minus E1 नहीं लिख सकते। इसके पीछे का एक रीजन है, इसके पीछे एक लॉजिक है। हमेशा E net E1 minus E2 ही यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पर E net जो है E1 minus E2 क्यों हुआ? समझो बात को। ध्यान देना, E1 इधर, E2 इधर। E net निकालेंगे कहीं ना कहीं दोनों को माइनस करना पड़ेगा। E net निकालेंगे कहीं ना कहीं इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस बड़े में से छोटा करना है। क्या करना है? E1 बड़ा है और E2 छोटा है। E1 बड़ा है और E2 छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबको पता है, पॉइंट चार्ज के कारण kq/r2। kq अपॉन, यहां देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है kq/r2। अब E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है। डिस्टेंस बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। बात आई समझ में? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एक मिनट फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ध्यान देना, सॉरी हल्का सा कंफ्यूजन है, एक मिनट। इस वाले देखो ध्यान से समझो, इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1, इस वाले चार्ज के कारण E2, सॉरी हल्का सा मिस्टेक हुआ, जो E net होगा वो होगा E2 minus E1, E2 minus E1, E1 minus E2 नहीं लिख सकते हैं बच्चों, E1 minus E2 नहीं लिख सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? ध्यान देना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर, तो E net निकालने के लिए कहना है दोनों को माइनस करना पड़ेगा। सही बात है, माइनस करना पड़ेगा भाई, बड़े में से छोटा माइनस करना है। इन दोनों में से E1 बड़ा है या E2 बड़ा है ये पूछा जाएगा। मान लो हम तुमसे पूछ रहे हैं E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, इसका जवाब है कि E2 बड़ा है, E1 छोटा है। क्यों? क्योंकि फार्मूला है बच्चों, क्योंकि फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है kq/r2। जिसका डिस्टेंस बड़ा, नीचे वाली चीज बड़ी होगी तो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा, नीचे वाली चीज बड़ी होगी तो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा। देखो इस वाले चार्ज के कारण डिस्टेंस x और l, x plus l लिखा है, मतलब ये यहां से कि ये चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर होगा, मतलब डिस्टेंस बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन छोटा होगा। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है, देखो डिस्टेंस कितना कम है, डिस्टेंस कम होगा तो फ्रैक्शन पूरा बड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा मतलब नीचे वाली चीज कम होगी तो फ्रैक्शन पूरा बड़ा हो जाएगा। समझा रही बात? हम तुमसे पूछे 7/1 बड़ा है या 7/2 बड़ा है, कौन बड़ा है? 7/1 बड़ा है या 7/2 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो स्वाभाविक आंसर होगा कि ये चीज बड़ी है 7/1, क्यों? क्योंकि इसके नीचे छोटी चीज है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटा, डिस्टेंस छोटा फ्रैक्शन बड़ा। तो इस चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बड़ा बनेगा, इसके तरफ प्लस वाले की तरफ बन जाता है, उसके तरफ आता है। इस वाले चार्ज के कारण E1 उससे दूर जा रहा है, E2 minus E1। अब कुछ नहीं करना, हो गया, यही लॉजिक था बस, यही लॉजिक था। नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देना, हो गया। आइए E2 का फॉर्मूला होगा kq अपॉन दिमाग रखो, ये x है, इस x के संग ये l गायब कर दे,
तो ये दोनों चार्ज कितने का डिस्टेंस बचेगा? हाँ, शाबाश। ये x, इस x में से l हमने गायब कर दिया, क्या बचा? x माइनस l। मतलब x में से l को गायब करते ही ये दोनों चार्ज का डिस्टेंस बच रहा है, चार्ज और पॉइंट का डिस्टेंस बच गया x माइनस माइनस k q। अब इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इवन किधर की तरफ होगा बच्चों? उधर की तरफ होगा, बात सही है। डिस्टेंस देखते हैं दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखना दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो। x में अगर l ऐड कर दे, x में अगर l ऐड कर दे तो यहां पर पहुंच जाएंगे x plus l। नहीं आया समझ में? इसका तो समझ में आ रहा है डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला, लेकिन इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला? इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पहुंचने के लिए कुछ नहीं किया, x में l ऐड कर दिया। ये रहा x यहां पर, इसमें l ऐड करेंगे इस चार्ज पे पहुंच गए, तो k क्यों है अपॉन x प्लस। अब देखो ये वाली टर्म छोटी है, ये वाली टर्म बड़ी है, पहले ही बताया था ना, ये वाली टर्म x में से l छोटा टर्म, x प्लस l बड़ा टर्म, तो ये बड़ा टर्म तो ये पूरा फ्रैक्शन छोटा, तो इवन छोटा। ये छोटा टर्म, नीचे वाली चीज छोटी, ये वाली चीज पूरी बड़ी, ये टू बड़ी। अब बात ऐसे में क्यों e2 बड़ा है, क्यों इवन बड़ा है, हमेशा e2 माइनस इवन ही यहां पे क्यों किए, इवन माइनस e2 नहीं होगा, सॉरी गलती हुई थी मेरे थोड़ी देर पहले, ठीक है, बहुत मिस्टेक हो गया था हल्का सा, उसके लिए सॉरी, लेकिन समझ में आ गया क्यों e2 माइनस इवन ही करेंगे, इवन माइनस e2 नहीं करेंगे, क्लियर बात। अब इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना यार, 8th क्लास का मैथमेटिक्स लगाना है। k क्यूब कॉमन दिख रहा है, शायद k क्यूब दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा? 1 1 upon x minus l minus 1 upon x plus l। एक एक स्टेप को नोट डाउन करते जाओगे, एक एक स्टेप को नोट डाउन करते जाओगे, नोट डाउन करते रहो, वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन करते रहो, स्टेप को समझते रहो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, स्टेप समझो, ठीक है। k क्यूब अपॉन, k क्यूब कॉमन खींच लिया, 1 minus l, 1 upon x minus l, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, यहां स्क्वायर होगा और यहां भी स्क्वायर होगा, क्लियर है बात, k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर लिया और यहां भी स्क्वायर, ठीक है। नोट करते रहो, नोट करते रहो, नोट करते रहो, कुछ नहीं करना, दोनों कैंसिल कर दो, k क्यूब दोनों कैंसिल, कितना होगा x - l का होल स्क्वायर * x + l का होल स्क्वायर, क्या बचेगा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो x plus l का होल स्क्वायर बचेगा, x plus l का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस x minus l का होल स्क्वायर बचेगा, आया ना, x minus l का होल स्क्वायर बचेगा, क्लियर है बात। चलिए और कुछ नहीं करना, x अब ब्रैकेट खोल देते हैं, कहां मिटाऊं कहां मिटाऊं कहां मिटाऊं, अब इस फिगर का कोई जरूरत नहीं है तो फिगर मिटा देता हूं मैं, फिगर को पूछते हैं बच्चों, इस स्टेप से हम यहां पे आ रहे हैं, इस स्टेप से हम यहां पे आ रहे हैं, इस स्टेप से हम यहां पे आ रहे हैं, स्टेप लिख रहे हैं k q अपॉन, k q कॉमन है, क्या बचा? x + l का होल स्क्वायर माइनस x - l का होल स्क्वायर अपॉन x - l का होल स्क्वायर इनटू x + l का, बात आई समझ में, क्लियर बात हो रही है। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को मिटा देता हूं, ये सारी चीजें मिटा दूं, सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, चाकी नोट डाउन कर चुके होंगे जिन्होंने नहीं किया, वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हम निकाल रहे हैं उस टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट ऑन पॉइंट पी, हम पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल, तो के क्यू इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ये स्टेप आया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, माइनस साइन हटा देना है, माइनस साइन जैसे हटाओगे k क्यूब x plus l का होल स्क्वायर, x plus l का होल स्क्वायर माइनस हटेगा तो ये बचेगा माइनस x स्क्वायर और ये बचेगा प्लस l स्क्वायर, इसको भी तोड़ दो, समझ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं समझा रहा हूं मैं, तोड़ दो ना, कुछ नहीं करना है, k क्यूब a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको तोड़ोगे क्या बचेगा,
लेना ये बात क्लियर है बात। अरे यार ब्रैकेट के बाद माइनस साइन तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा यार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर गया, नीचे कुछ टर्म बचे शायद एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है समझ में आ रही बात, अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, क्या बचा आ जाओ देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, के क्यू सब आसान हो गया, ये 2xl plus 2xl कितना बचेगा 4xl upon क्या बचेगा x minus l का whole square और x plus l का whole square, चलो नोट डाउन करो इसको, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ नोट डाउन करते चलो, आइए आगे का स्टेप लिखते हैं, k क्यू 4xl 4xl अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे यार देख ध्यान से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अबे यार बहुत आसान है यार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a plus b into a minus b, उसी टर्म को दिख रहा है a plus b into a minus b, a square minus b square दोनों का square लगा होल स्क्वायर, बात ही समझ लो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना था यार, ध्यान से देखो क्लियर, तो k क्यू अब 4 को 2 into 2 में तोड़ दिए, 4 को 2 into 2 में तोड़ दिए, q 2 into 2xl upon x square minus l square, इस 2 को इधर लिख लो, 2 और x को इधर लिख लो, कुछ नहीं होगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2k q x को इधर कोई फर्क, मल्टीप्लिकेशन है सबके बीच में, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2k q 2l इस 2 को बाहर लिया, बाकी सब ऐसे ही लिख रहे हैं, 2l x upon x square minus l square, अब देखो ध्यान से q to l डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l लिया था, दोनों चार्ज के बीच, याद करना जब डाइपोल का फिगर बनाया था दोनों चार्ज एनसीईआरटी में भी एचसी वर्मा में भी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l ये रहा था माइनस q, देखो ध्यान से ये रहा माइनस q ये रहा प्लस q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l लिया था, तो डाइपोल मोमेंट कितना बन जाएगा q into 2l, तो q into 2l डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, आज इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, 2k q into 2l p x upon x square minus l square होल स्क्वायर, क्लियर है बात समझ में आएगा, x square minus l square होल डाइपोल का डेफिनेशन याद करना जरा, डाइपोल का डेफिनेशन याद करना, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l जो कि बहुत छोटा है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ध्यान देना लिखाया था डाइपोल का डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ये 2l छोटा है तो l को और छोटा होगा, जब 2l ही कुछ छोटा है तो l छोटा नहीं होगा, है l तो और छोटा होगा उससे, तो यहां पर x जो है बहुत 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 बड़ा है l से, x जो डिस्टेंस हमने सेंटर से उस पॉइंट तक का लिया था वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है l से, क्यों बड़ा है भाई, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन कहता है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, डिस्टेंस 2l है, अब ये
अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कितना पोटेंशियल है? ई नेट